बस कीजिए चाची माँ, प्लीज। कायरा ने बच्चों की जान बचाई है, क्या ये काफी नहीं? आज इसकी वजह से हमारे बच्चे सही सलामत हमारे घर पर है, क्या ये काफी नहीं है? अरे हमें इसे थैंक यू कहना चाहिए। वो जैसी भी है, आप प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अरुषि को भी तो इस परिवार के लिए खुद को एक अच्छी बहू साबित करना पड़ा था। इस लड़की को साबित करना होगा कि वो आरू और अरहान की माँ बनने के लायक है। I promise चाची, मैं ये साबित करूंगी। अगले 7 दिनों में तुझे 7 काम करने होंगे और उन 7 कामों में से कम 4 काम में पास होना होगा। पूछ क्यों? क्यों? नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। What next level? जब तक हर कोई तुझे इस कार की बहू स्वीकार नहीं कर लेता और ये मान नहीं लेता कि तू आरू और अरहान के लिए एक अच्छी माँ है, तब तक तुझे ऐसे कई लेवल्स पार करने होंगे और ये साबित करना होगा कि तू अरुषि की सही उत्तराधिकारी है। नो, अगर कोई देखे तो क्या सोचेंगे? सोचिंग तो सोचिंग, I don't caring। और तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पहले कभी किसी लड़के ने तुम्हें छुआ ही ना। Don't forget, I know, तुम्हारी पहले 2 बार शादी हो चुकी है, but unfortunately तुम्हारा दोनों बारी तलाक हो गया। सवेरे सवेरे उठकर बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना, उन्हें तैयार करना, उन्हें नहलाना, कपड़े पहनाना, स्कूल बस तक छोड़ाना, उनका होमवर्क कराना, ये सब तुझे करना होगा। कर पाएगी? कर लूंगी। दूसरा काम, बच्चों की परवरिश करना एक छोटे से पौधे को संभालने जैसा है। कुछ समझ में आया? ये ले, तुझे इस पौधे की देखभाल करनी होगी अच्छी तरह से, और अगर अगर ये पौधा मर गया तो तू फेल। दादी माँ, आदर्श माँ तो दूर की बात है, माँ क्या होती है ये तो मुझे पता ही नहीं, और ये आदर्श बहू, हाँ मैंने टीवी सीरियल में देखी है ऐसी औरतें, पर सच में तो ऐसी नहीं होती होंगी। किसने कहा कि सच में ऐसी औरतें नहीं होती हैं? मैं खुद जानती थी एक ऐसी ही को, हमारी आरुषि ऐसी ही तो थी। आरुषि? परफेक्ट थी हमारी आरुषि, यहां तक कि उसने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे दी। हाँ, पर अगर वो इस सिचुएशन में होती तो आई एम श्योर वो भी फेल हो जाती। पता है कल मुझे कितने काम है, वो कल सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को उठाना है, उन्हें तैयार करना है, खाना बनाना है, उनके लिए टिफिन बनाना है, फिर खुद भी तैयार होना है, वो बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, फिर 9 बजे से पहले ये सब कैसे होगा? सब हो सकता है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है। 100% मैं आरुषि का सूट पहना है? क्यों? दादी माँ ने मुझे दिया है। कैसी लग रही हूँ मैं? फुल ऑन अरहान और आरू की मॉम लग रही हूँ ना? पागल हो गई है क्या? विहान ने तुझे इस तरह देख लिया तो क्या होगा, जान से मार डालेगा तुझे। क्या जरूरत था इन कपड़ों को पहनने का? थाईमा, वो बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, तो मुझे लगा कि किस हक से स्कूल में जा रही है? तेरी मजाल कैसे हुई? जस्ट वन, विहान बिजी है तो और कौन जाएगा बच्चों के साथ? तो ओ गॉड, मुझे तो बहुत सारा काम है, बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, उन्हें रेडी भी तो करना है, फिर उसके बाद वो 10 buckets पानी भी तो भरना है, और फिर उन्हें टाइम से पिक भी करना है। गॉड, मैं चलती हूँ, आप लोग मुझे डिस्कस कीजिए, मैं बाद में मिलूंगी।
बाद में लौट कर हम वो कंटिन्यू करेंगे। संदिल सास और बेचारी बहू का किस्सा। ओके बाय।